हाय, मेरा नाम अलंकृता है और मैंने ये कहानी मुफ्त की कुल्फी लिखी है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने मिलके मुफ्त की कुल्फी पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप स्टोरी वीवर पे पढ़ सकते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम भवरी के साथ गिनती करने वाले हैं। भवरी कुल्फी काका के पास कुल्फियां खरीदने जाती है, मगर उसको गिनती करनी पड़ेगी कि परिवार में कितने सदस्य हैं और उनके लिए कितनी कुल्फी चाहिए। तो अभी समझो कि हर कुल्फी का दाम, एक कुल्फी का दाम 5 रुपए का है। तो अगर एक कुल्फी का दाम 5 रुपए का है तो कितने रुपए चाहिए होंगे भंगरी को? मेरे पास ये छोटा सा डिब्बा है, इसमें मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं। तो चलो शुरू करते हैं गिनती। पहले आती है मम्मी। मम्मी खाएगी एक कुल्फी, तो उनके लिए हम एक 5 रुपए का सिक्का बाहर रखेंगे। तो हुए 5। फिर खाएंगे पापा। पापा भी एक खाएंगे, तो एक और 5 रुपए का सिक्का। 5 और 5 हुए पूरे 10। अब कौन आते हैं? बबलू। बबलू भवरी का छोटा भाई है। बबलू को कुल्फियां बहुत पसंद है, तो वो एक पूरी कुल्फी झट झट खा लेता है। तो उसके लिए भी एक कुल्फी खरीदनी होगी। तो एक और 5 रुपए का सिक्का, 5, 10 और पूरे 15। बच्ची कौन? बच्ची नानी। नानी कहती है बबलू को नहीं खाएगी वो, मगर वो चोरी चुपके रात में फ्रिज खोल के धीरे से कुल्फी निकाल के चाट देखती है। तो उनके लिए एक कुल्फी खरीदनी जरूरी है। तो एक और 5 रुपए का सिक्का हम इधर रखेंगे। 5, 10, 15 और 20। बचा कौन? सब हो गए पूरे? मम्मी, पापा, बबलू, नानी। बची भवरी। भवरी को तो हम भूल ही गए। भवरी के लिए एक और कुल्फी हो गए 5, 10, 15, 20 और 25। तो भवरी को पूरे 25 रुपए चाहिए अगर उसको अपने परिवार के लिए कुल्फियां खरीदनी है। अभी आप क्या कर सकते हैं? आप अपने परिवार में कितने लोग हैं उनकी गिनती करके, कितने लोगों को कुल्फी पसंद है उसकी गिनती करके अपन आप गिन सकते हैं कि कुल मिला के कितने रुपए चाहिए होंगे कुल्फी काका को देने के लिए। आपको जरूरी नहीं है कि पांच मेरे जैसे 5 रुपए के सिक्के इस्तेमाल करें। आप 1 रुपए का, 2 रुपए का, नहीं तो 10 रुपए का नोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर घर बैठ के आप मेरे जैसे गिनती करिए।